हाय गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका माय स्मार्ट सपोर्ट के डेली टेक न्यूज में, और हम लाए हैं आपके लिए आज की 10 बड़ी टेक न्यूज। तो शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहला खबर आ रहा है एएमडी की तरफ से। एएमडी ने बहुत ही लंबे समय के बाद इंटेल को टक्कर देने के लिए, खास करके उसके आई सीरीज प्रोसेसर यानी i3, i5, i7 जो प्रोसेसर है उनको टक्कर देने के लिए एएमडी ने फाइनली अपना एक प्रोसेसर जिसका नाम है एएमडी राइजन, इसके कुछ जैसे सीक्वेंस सीरीज है वो लॉन्च करने जा रहा है। 2 मार्च को यूएसए में लॉन्च होगा, जिसे कि कहा जा रहा है कि ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर्स होंगे और ये उतने ही पावरफुल होंगे जितने कि इंटेल के आई सीरीज प्रोसेसर्स हैं। और सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि इसकी कीमत जो होगी वो इंटेल से, कंपनी दावा कर रही है एएमडी कि इंटेल से लगभग 50% चीपर होंगे। आमतौर पे अभी भी कोई भी एएमडी के प्रोसेसर अगर आप इंटेल से कंपेयर कर रहे हैं सेम पावरफुल के, तो वो चीपर ही होते हैं लगभग 40% तक। तो इसमें भी ऐसा कुछ देखने आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इंडिया के मार्केट में और ग्लोबल मार्केट में एएमडी प्रोसेसर जो है ये आपको मिलने शुरू हो जाएंगे अप्रैल से, ठीक है। तो दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं हम। दूसरी खबर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को ये निर्देश दिया है कि 31 मार्च 2017 तक सभी बैंक को बिल्कुल रेडी हो जाना है आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम, जो है बायोमेट्रिक, मतलब अंगूठा लगा के जो ऑथेंटिक करके पेमेंट जो करना होगा उसके लिए सभी बैंक रेडी हो जाएंगे। फिलहाल अभी जो है मात्र 5 बैंक जो है बिल्कुल रेडी हैं ये सर्विसेज देने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए अभी जो बैंक्स रेडी हैं वो है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, IDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये रेडी हैं और ये चाहे तो अभी से अभी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन 31 मार्च तक सभी कंपनीज को निर्देश दिया गवर्नमेंट ने कि आपको रेडी होना है ताकि चाहे किसी भी बैंक में अकाउंट हो लोग पे कर सके इजीली, ठीक है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। एयरटेल और टेलीनॉर के मर्जर की बात, सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हो चुकी है, बस एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है जो कि जल्द ही आप सुन लेंगे कि एयरटेल और टेलीनॉर का मर्जर हो गया और एक बड़ा कंपनी बन जाएगा। ये खास करके ये खबर, ये स्टेप एयरटेल इसलिए उठा रहा है क्योंकि अभी वोडाफोन और आइडिया का मर्जर भी होने वाला है, तो कहीं पीछे ना रह जाए एयरटेल, इसलिए ऐसा किया गया है, कर रहा है एयरटेल। और साथ ही साथ देख रहा है कि जियो का भी जो सब्सक्राइबर बेस है उसका भी इम्पैक्ट है इसके ऊपर। अगला खबर है चौथा, इंडिया को सभी कंपनीज, टेक कंपनीज जो है वो एक बड़ा ही अपकमिंग टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक अच्छा मार्केट मान रहा है। और उसके लिए जैसे कि आपने देखा अभी कुछ दिन पहले YouTube ने YouTube Go स्पेशली इंडिया के इन्वॉल्वमेंट को देखकर, जैसे कि यहाँ पे स्पीड की इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ी पुअर रहती है, बफरिंग प्रॉब्लम होती है, इसलिए YouTube Go इसके सबसे लैंग्वेज का देखा गया कि मतलब बंगाली, हिंदी और तमिल सारे लैंग्वेजेस में आप YouTube Go यूज़ करेंगे तो उस हिसाब से ऑप्टिमाइज करें। स्पेशली इंडिया के लिए लॉन्च कंपनीज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज ऐप लॉन्च कर रही हैं। उसी तरह से फेसबुक ने भी किया, लाइट मैसेंजर किया था, उसके बाद लिंक्डइन ने भी लिंक्डइन लाइट किया था। तो ठीक उसी तरह से स्काइप, जो कि अभी माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया स्काइप को, वो एक ऐसा ही अपना एक वर्जन लॉन्च किया है स्काइप लाइट, जिसमें की फीचर है खास करके इंडियन के इन्वायरमेंट, जैसे लो स्पीड होता है, बफरिंग वगैरह था, साउंड जो है कटता है, उसको अवॉइड करने के लिए एक ऐसा ऐप निकाला है। उसे अगर आप यूज़ करेंगे, ये अवेलेबल है ऑलरेडी प्ले स्टोर में, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो इसमें वो सब जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आप बात कर पाएंगे, वीडियो कॉल या फिर कॉल कुछ भी आप कर पाएंगे। उसके साथ साथ स्काइप कह रहा है कि आने वाले अगले 2 से 3 महीने के अंदर आधार बेस्ड इसमें ऑथेंटिकेशन सिस्टम ला दिया जाएगा, यानी आपको लॉगिन करने के लिए स्काइप में आज से 2-3 महीने बाद अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा अपने प्रोफाइल में, क्योंकि वो इस तरह से इसलिए किया जा रहा है क्योंकि स्पैम यानी जो मतलब फ्रॉड जो होता है, किसी के नाम से फेक अकाउंट बनाकर लोग चैट करते हैं, कॉल करते हैं, वो चीज़ को रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है, कदम उठाने वाला है स्काइप आगे फ्यूचर में। अगली खबर है रिलायंस जियो के जो मच अवेटेड फ़ोन था, जो 999 रुपये में वोल्टी फ़ोन जो है आपने सुना होगा बहुत पहले, वो जो है होली के अवसर पे उसके पहले ही रिलायंस जियो ने तैयारी कर ली है इसे लॉन्च करने के लिए, तो आप इसे खरीद पाएंगे होली से जस्ट पहले, थोड़े दिन पहले। अगली खबर व्हाट्सएप की तरफ से है। व्हाट्सएप ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, आप उसे जल्द ही यूज़ कर पाएंगे, within 2-3-4 days, ओके। या मे बी अभी भी कर सकते हैं, कई लोग यूज़ कर रहे हैं, ये अपडेट हो रहा है क्योंकि धीरे धीरे। तो इसमें क्या होगा कि आप जो है जो स्टेटस अपना रखते हैं व्हाट्सएप स्टेटस, वो सेम
जैसे स्नैपचैट में रहता है कि आप उस वहाँ पे कोई भी इमेज लगा सकते हैं या फिर कोई वीडियो लगा सकते हैं, टेम्प्रोरी वो डिसअपीयर हो जाता है 24 आवर्स के अंदर, ठीक है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर। तो वैसे ही आप व्हाट्सएप पे भी अब कर सकते हैं, व्हाट्सएप ने फीचर स्टार्ट कर दिया है। आप व्हाट्सएप पे लिखने के जगह, टेक्स्ट के जगह, कुछ लाइंस के जगह आप वहाँ पे इमेजेस या फिर कोई वीडियो लगा पाएंगे अपने स्टेटस के को दिखाने के लिए लोगों को, और वो डिसअपियर हो जाएगा विद इन फ्यू आवर्स जो भी आप डिटरमाइन करेंगे 12 आवर्स 24 आवर्स हिसाब से। अगली खबर है जो यूएस की जो इंपॉर्टेंट कंपनीज है, टेलीकॉम कंपनी वेराइजन और स्वीडन की जो मेन लीडिंग कंपनी है टेलीकॉम की एरिक्सन, ये दोनों ने यूएसए के अंदर ट्रायल जो है वो फिनिश कर दिया है। मतलब 5G का ट्रायल चल रहा था, 5G नेटवर्क का ट्रायल चल रहा था यूएस के अंदर, उसको फाइनलाइज कर दिया है, कंप्लीट कर लिया है, और बहुत ही जल्दी वहाँ पे 5G नेटवर्क का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा और वहाँ पे रियल टाइम में काम करना शुरू करेगा 5G नेटवर्क, जैसे कि इंडिया में 4G चल रहा है अभी। अगली खबर है फ्रीडम की तरफ से, फ्रीडम 251 आपने फ़ोन नाम सुना होगा, रिंगिंग बेल कंपनी का एक प्रोडक्ट था जिसके डायरेक्टर थे मोहित गोयल, उनको अरेस्ट कर लिया गया है फ्रॉड के केस में। इनके ऊपर एक कंप्लेन लगाई है एक कंपनी ने, गाजियाबाद की कंपनी ने, कि उन्होंने 30 लाख रुपए जो है उनको RTGS से डिपॉजिट किए थे, उसके बदले में उन्होंने मात्र 13 लाख का उनको आउटपुट सामान जो दिया है, बाकी के पैसे मांगने पे या फिर उसकी जगह पर सामान मांगने पे वो उन्हें धमकी दे रहे हैं कि हम आपको जान से भी, आपकी जान को खतरा हो सकता है अगर ऐसा करेंगे तो इस केस में FIR लॉन्च किया गया उनके अगेंस्ट और उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अगली खबर जो है वो वोडाफोन की तरफ से है। अब आप आश्चर्य करेंगे कि ऐसी अभी ये चीज़ केवल वेस्ट बंगाल में लॉन्च किया है वो वोडाफोन ने, धीरे धीरे सारे जगह पे लॉन्च हो जाएगा। अगर आप वेस्ट बंगाल में रहते हैं तो आप ये अभी यूज़ कर सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे आप किसी रिटेलर के पास जाते हैं रिचार्ज करने के लिए, तो आपको ज़रूरत नहीं है अपने मोबाइल नंबर को डिस्क्लोज करने के लिए, आपको बताने के लिए, रिचार्ज कराने के लिए। अब आप बिना मोबाइल नंबर बताए ही रिचार्ज कर सकते हैं। करना क्या होगा आपको कि जस्ट एक मैसेज टाइप करना होगा अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर प्राइवेट, और उसे भेज देना होगा 12604 पे। SMS करने के तुरंत बाद आपको एक मैसेज आएगा जिसमें कि एक वर्चुअल कह लीजिए मोबाइल नंबर होगा जो कि 24 आवर के लिए वैलिड होगा, ठीक है। आप उसे कह सकते हैं PRM प्राइवेट रिचार्ज मोड, ठीक है। तो उस नंबर को आपको देना होगा रिटेलर को और बस वो उस पर रिचार्ज कर देगा, आपके रियल नंबर पर रिचार्ज हो जाएगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बेसिकली गर्ल्स वुमेंस की सेफ्टी के लिए, ताकि लोग बहुत मिसयूज़ कर रहे थे, कोई अगर जाता है लड़की या फिर वीमेन अगर जाते हैं रिचार्ज सेंटर्स पे तो उसके नंबर को मिसयूज़ किया जाता है, इसलिए वोडाफोन ने ये कदम उठाया और ये एक गुड अच्छा कदम है हमारे हिसाब से। ठीक है, आज की 10 बड़ी टेक न्यूज़, उम्मीद करते हैं आपको टेक न्यूज़ पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक दबाइए, नहीं पसंद तो डिसलाइक दबा दीजिए, लेकिन दबाइए क्योंकि यहाँ पे दो ही ऑप्शन हैं मेरे पास।